अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मैं सनाउल्लाह टक एक दफ़ा फिर आपकी हिस्बत पे हाज़िर हूँ एक अच्छी न्यूज़ के साथ। ये अच्छी न्यूज़ उन लोगों की ने है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब इनकी बच्ची भी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम से इसको वजीफ़ा मिलेगा, वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और उनके जनाना जो औलाद है उनको माहाना 2,000 रुपये मिलेंगे और नरीना औलाद को माहाना 1,500 रुपये मिलेंगे। तो इस ज़मन में तो तमाम तफसीलात मैं आपको देता हूँ। आपको ये तफसीलात तमाम तफसीलात जो है ना अपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो ज़िले दफ्तर हैं इसमें ये कवायफ जमा करने होंगे। तो इंशाल्लाह ये आपका मुकम्मल तरीके कार मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए जो बच्ची की जो उम्र है वो 4 से 12 साल होनी चाहिए, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो जो उसकी उम्र 4 से 12 साल होनी चाहिए। और इनके जो फीमेलीस हैं यानी बेनिफिशरी हासिल कर रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से, तो जिसकी जो ऑब्जेक्टिव है तो उसके ऑब्जेक्टिव में सबसे अहम ऑब्जेक्टिव मैं जो आपको बता रहा हूँ उसका हुकूमत का ये मकसद है कि बच्चों की जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ाया जाए स्कूलों में, यानी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की जो एनरोलमेंट है वो बहुत कम है उसको बढ़ाया जाए, और बच्चों की जो स्कूलों की अटेंडेंस है उसको भी इम्प्रूव किया जाए क्योंकि बच्चों की अटेंडेंस बहुत कम है। और जो ड्रॉप आउट है बच्चों का स्कूल, जो बच्चे स्कूल छोड़ते हैं उनको भी यानी स्कूल छोड़ने से इसको ख़त्म किया जाए, स्कूल को बच्चे जो छोड़ने नहीं ऐसे नहीं होंगे। तो दोस्तों इसके लिए एक अहम क्राइटेरिया ये है कि वो बच्चे जो इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं उसकी अटेंडेंस जो है ना वो 70% होना ज़रूरी है क्लास में, जो उसके क्लास में जो अटेंडेंस है वो 70% होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कुछ अहम अगराज व मकासद हैं। तो इसके बाद जो असातिज़ा के लिए जो हिदायत है मैं आज को दे रहा हूँ तो वो ये है, अगर आपके इलाके स्कूल में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनकी माएँ और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही है उनकी निशानदगी करके उनको ये पैगाम पहुँचाए कि वो फौरी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दर्ज ज़ैल आफिस से रबता करें, जो वसीला तालीम प्रोग्राम में शमूलियत के गर्ज़ से आपके स्कूल में दाखिल हो, इनकी तस्दीकी फार्म पर मंदरजा ज़ैल मालूमात दर्ज करनी होगी। नंबर एक बच्चे का नाम, नंबर दो बच्चे की वालिदा और वालिद का नाम, नंबर तीन स्कूल का नाम, नंबर चार स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर, नंबर पाँच बच्चे की क्लास, नंबर छः बच्चे का दाखिला नंबर, नंबर सात स्कूल के हेड टीचर का नाम और दस्तखत। और इसके बाद है एडमिशन वेरिफिकेशन स्लिप, मैं आपको नीचे लिंक में भी दूंगा इंशाल्लाह, और आपको ये नीचे नज़र आ रहा है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर तहसील और यहाँ पर इसका दस्तखत होना ज़रूरी है, और फ़ोन नंबर भी यहाँ पर लिखना है, पता भी यहाँ ज़रूरी है। और आपको अगर किसी किस्म की शिकायत हो तो वो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की टॉल फ्री नंबर पर कर सकते हैं जो है 0800264472। आप इस नंबर पर अगर आपका कोई मसला हो तो आप इससे के बारे में बता सकते हैं और तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो एडमिशन वेरिफिकेशन में है कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम और स्टूडेंट या स्कूल नेम है, और इसके अलावा EMIS कोड, स्कूल का क्लास नंबर, क्लास नेम है, एडमिशन नंबर और नेम ऑफ इन सिग्नेचर ऑफ टीचर, यानी टीचर को अपना दस्तखत भी करना होगा। तो दोस्तों ये स्लिप आप देख रहे हैं, वेरिफिकेशन स्लिप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों यानी जो बच्चे इसके लिए अहलियत है रखते हैं तो उनके वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने ज़िले दफ्तर के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो दफ्तर है उससे रबता करें, और उसमें जो डॉक्यूमेंट दरकार हैं वो यानी एडमिशन वेरिफिकेशन स्लिप, अपना आइडेंटी कार्ड नंबर और इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो जो रजिस्ट्रेशन स्लिप हैं वो भी इसके साथ अटैच करें, यानी तीनों चीज़ें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिशन वेरिफिकेशन स्लिप और इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड यानी शनाख्ती कार्ड, इन चीज़ों को मिलाकर आप जमा करें अपने ज़िले दफ्तर के बेनज़ीर के जो दफ्तर
اگر ہے انکم سپورٹ کا اس میں جمع کرے تو آپ کو انشاءاللہ یہ وظیفہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ اچھی بات ہے، اپنے دوستوں کو بھی ساتھ شیئر کرے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو دوستو اس کو سبسکرائب کرے چینل کو، اور مزید انشاءاللہ اہم اور اچھی نیوز کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔